क्या सीन चल रहा है? सीन तो ऐसा है कि जितना मेहनत विप्लव ने किया है उस सब पर पानी फिर चुका है। इन औरतों को लगने लगा है कि विप्लव ने इन लोगों को धोखा दिया है और यही सब कांड के पीछे है। तो बस उसी को सुलझाने के पीछे लगा विप्लव, यही सीन चालू है। किस तरह से धोखा दिया तो कैसे लग रहा है? वो तो मुझे भी नहीं पता यार। उस दिन दीवार टूट गया था, उसके बाद क्या सस्पेंड? दीवार कूद के आया था वो तो साइकिल देने के लिए उसे। दीवार कूद के फिर हमने जो दरवाजा खोल के उसको साइकिल गिफ्ट करता है क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा काम मिल जाता है और वो लोग दूर दूर तक चले जाते हैं ना। तो विप्लव को लगा कि साइकिल मिल जाएगी तो थोड़ी सी सहायता हो जाएगी, इतना चल चल के थकना नहीं पड़ेगा। तो इस दीवार कूद के आया था वो। क्या रिएक्शन था साइकिल जब आपने गिफ्ट की, दानी दी? अरे नहीं ली, वापस दे दी। पर हम भी डीट है, हम छोड़ कर चले गए साइकिल। आज सीरियल में लग रहा है आपको दानी जी धमका रही है, किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि सारे काम के पीछे मैं हूँ। किस तरह काम कर रहे हैं? वो तो मुझे भी पता। तो वो कल शूट होने वाला है। जैसे दिवाली आ रही है, आप पर्सनली क्या करने वाले हैं? उम्मीद करता हूँ कि मैं पटाखे तो नहीं फोड़ना, पोल्यूशन वोल्यूशन मैं नहीं क्रिएट करूँगा। अगर शूट नहीं करने होंगे तो देखूंगा, मिठाई बांटूंगा और पुलिस वाले में जो ड्यूटी करेंगे सड़क पर उस दिन, मेरे एम्प्लॉय जो मेरे लिए काम करते हैं उनके लिए कुछ तोहफे ले आऊंगा। इस बार स्पेशल ये होगा कि हम इश्क रंग सफेद के लिए शूटिंग कर रहे होंगे। पॉल्यूशन फ्री रखी है दिवाली में। हमारे शहर में जो धुआं जम जाता है उसे बहुत समय लगता है निकलने के लिए। जो हमारा शहर है वो एक आइलैंड है और अब वो बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से वो जगह सेंटर में लॉक हो जाता है तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। पूरे शहर को बहुत पोल्यूट करके रखता है बहुत टाइम पर, इसलिए जितना कम धुआं कर सके फटाखों का उतना कम कीजिए। हाय, दिस इज मिशेल रेजा, यू आर वाचिंग बॉलीवुड न्यूज़। कीप वॉचिंग।